रतलाम जिले के पिपलौदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को वादा खिलाफी सरकार कहते हुए जमकर नारेबाजी भी की। पिपलौदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहकारी सोसाइटी के सामने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों का बखान कर जनता को भाजपा सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई। इस दौरान भाजपा के करीब 200 कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि अभी इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा किसानों के साथ में बहुत छलावा किया जा रहा है। किसान खाद के लिए परेशान है और कर्ज के नाम पर जो धोखा मिला है, निश्चित तौर पर उस किसान की समस्याओं को अवगत करने के उद्देश्य को लेकर एक प्रतीक के तौर पर धरना प्रदर्शन हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ में रखा। उसी तारतम्य में आज सेवा सहकारी संस्था इस कार्यालय के सामने हमने यह धरना प्रदर्शन 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर किया जा रहा है और हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुनेरा और उनके निर्देश पर और राजेंद्र अपने भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक महोदय डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे के नेतृत्व में आज भारतीय देश प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। हमारे पिपलौदा मंडल का आंदोलन 12 बजे से प्रारंभ होकर के 3 बजे तक का आंदोलन रखा गया है, जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है। तो किसानों के साथ हम सभी है जो वर्ग के साथ जो 2 लाख का कर्ज माफ़ करना था, वह कर्ज अभी तक 10 दिन का कहा था, परंतु 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।